हेलो गाइस, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको होम क्लीनर आइटम। आपने क्लीनर आइटम तो देखा होगा, जैसे वाइपर वगैरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, यूनिक क्लीनर आइटम है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और सारे डेमो के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सर बबली शर्मा। कहाँ से हो आप? भरतपुर से। ये आइटम कहाँ भरतपुर से लाते हो? सर कुछ आइटम भरतपुर से, कुछ बाहर से आता है। सर हमारे ऑडियंस को सबसे पहले क्या चीज़ का डेमो दिखाना चाहोगे? सर पूरे होम क्लीनर आइटम्स हैं मेरे पास। जैसे ये गाड़ी का कांच साफ करने के लिए वन साइड सोप मारते हैं, गाड़ी का कांच, घर के कांच, फ्रिज, अलमारी, शीशे, सनमाइका, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, किचन स्लैब साफ करने के लिए वन साइड सोप पलट के साफ प्लस सूखा करता है। कपड़ा, पेपर, वाइपर ऊपर से कुछ भी नहीं मारना है। हैंड टू हैंड साफ हो गया, सूख गया, यूज करने के लिए इसके अंदर पानी भरना है, कोई भी शैम्पू डालना है, एक रुपए का पाउच आएगा, आटा डालना है। डालने के बाद में बोतल और ब्रश को कस के सेट कर देना है। यहाँ से सेट हो गया, यहाँ से प्रेस करते हैं स्पंज वाली साइड से, रफ किया, पलट के वाइपर वाली साइड से क्लीन, ऐसे क्लीन करेगा और ड्राई करेगा। कपड़ा, पेपर, वाइपर ऊपर से कुछ भी नहीं लगाना है, पूरा साफ हो गया, सूख गया। ये अपने जैसे टॉयलेट सीट साफ करने के लिए ऐसा नॉर्मल ब्रश यूज करते हैं, जैसे हार्पिक एसिड डालते हैं, गड्ढे में जाता है, वेस्टेज होता है। ये ऐसा ब्रश है, इसके अंदर कोई भी हार्पिक एसिड का गोल ब्रश के पीछे से अंदर से भर देना है। कैप को थोड़ा लूज रखना है, काम करते समय एयर जाएगी, गोल ऐसे डॉप बाय डॉप गिरता है, रगड़ के टॉयलेट सीट, कमोड, बाथरूम की फर्श, फ्लैश, काले पीले दाग धब्बे, स्पॉट होते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद ढक्कन को टाइट करके रख देना है, बचा हुआ हार्पिक इसके अंदर रहेगा जो वेस्टेज नहीं होता है। एक बार भरो, पांच बार टॉयलेट सीट साफ। सेम छोटा आता है सिंक, वॉश बेसिन, टाइल्स के लिए सेम यूज है। कोई भी घोल इसके अंदर भरो, सिंक, वॉश बेसिन, टाइल्स साफ करने के लिए सफाई हो जाए, ढक्कन को टाइट करके रख दीजिए। ये अपने जैसे लोहे के गेट, ग्रिल, मच्छर जालियां होती हैं, एयर लग जाती है, दो एयर वाली जाली, ग्रिल, वायर गेज वगैरह साफ करने के लिए है। ये गाड़ी धोने के लिए गन, कोई भी आधा इंची पौन इंची का पाइप लगाओ, पीछे से प्रेस करो, 10 फीट फोर्स आता है, उसके बाद चेंज कर सकते हैं। ये अपने जैसे बेड शीट, कारपेट, सोफा सेट, रजाई, गद्दे, ब्लैंकेट पे धूल, मिट्टी, डस्ट, बारीक डस्ट को साफ करने के लिए हैंड वैक्यूम क्लीनर, जो बिना लाइट बिना सेल के काम करता है। बस इसको चला देना है ऐसे सोफे पे, गद्दे पे, कार सीट पे, बेड शीट के ऊपर से सारा डस्ट इसके अंदर। ये झाड़ू, किचन, बाथरूम, फर्श धोने के लिए फाइबर फ्लेक्सिबल झाड़ू, अनब्रेकेबल। नॉर्मल झाड़ू यूज करते हैं, यूज करने में स्टिक टूट जाती है, गल जाती है, फाइबर स्टिक है, टूटती नहीं है, मजबूत झाड़ू। ये कचरा उठाने के लिए सुपड़ी, इससे कचरा भरो बाहर फेंकने के लिए। ये वाइपर किचन स्टैंड साफ करने के लिए, जैसे नॉर्मल वाइपर लेके आते हैं मार्केट से, स्पंज लगे हुए आते हैं, रिपटे लगी हुई आती हैं, गल जाती हैं, निकल जाती हैं, इससे क्लीन और ड्राई। गाड़ी का कांच भी साफ कर सकते हैं इससे, किचन का स्लैब के साथ साथ, पूरा ड्राई करेगा, पानी रहेगा नहीं इससे। ये पोछा लगाने के लिए स्टैंडिंग मॉप, खड़े खड़े पोछा लगाओ, नमस्ते मॉप, यूज करने के लिए निचोड़ने का तरीका ऐसे, पानी के अंदर डिप करना है, डिप करने के बाद में यहाँ से लीवर उठा के निचोड़ना है। जैसे अपन नॉर्मली कोई भी पोछा यूज करते हैं, यूज करने से पहले पूरा फर्श साफ करते हैं, साफ करने के बाद पोछा करते हैं, इसको पानी में गीला किया, उठा के निचोड़ा, निचोड़ने के बाद डायरेक्ट फर्श के ऊपर डालना है और चला देना है। फर्श पे धूल, मिट्टी, गंदगी, दाग धब्बे, स्पॉट हटा के अपने ऊपर ले लेता है, पूरा रूम क्लियर, उठा के बाहर जाके निचोड़ देना है गंदगी बाहर। पोछे के अलावा वाइपर का काम करेगा, जैसे फर्श पे पानी फैल जाता है, सादा वाइपर यूज करते हैं, नॉर्मल वाइपर यूज करने से पूरा फर्श भीग जाता है, ये जहाँ पानी रहता है उसी जगह पे चलाना है। 1 लीटर पानी पीने की कैपेसिटी है, पानी लॉक हो जाता है, कहीं भी ले जाएंगे ड्रॉप नहीं होगा जब तक इसका लीवर ऐसे ऊपर नहीं खींचेंगे। इससे यहाँ से खोल के बड़ा करना है, किचन का सीलिंग गंदा हो रहा है, सीलिंग साफ कीजिए, दीवार गंदी हो रही है, दीवारें साफ कीजिए, टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स साफ कर लीजिए। एडजस्टेबल है, छोटा होगा बड़ा होगा, यहाँ से खोल के और भी छोटा हो जाएगा। जैसे किचन में काम करना है आपको, किचन का स्लैब साफ करना है, किचन का स्लैब गंदा हो रहा है, अलमारी गंदी हो रही है, वॉशिंग मशीन गंदी हो रही है, मल्टीपर्पज यूज है इसका,
एंड टू एंड साफ करेगा और सुखा देगा। रूम के अंदर चाय कॉफी पानी फैल जाता है। नॉर्मल वाइपर यूज करते हैं, पूरा फर्श भीगता है। इसको यूज करने से जहाँ गंदगी होती है इसके अंदर लॉक, जब मर्जी है बाहर जाओ, लीवर उठाओ, ड्रॉप। ये पंखा साफ करने के लिए आएगा। इससे आप पंखा, जाले, छत, दीवार कुछ भी साफ करो, यहाँ से खींच के लॉक खोल के बड़ा कर लेना, लॉक लगा के रोक देना है। एक जगह खड़े हो गए, पूरा रूम साफ। दीवार साफ करनी है, दीवारें साफ कीजिए, धूल मिट्टी होगी पूरी हट जाती है। इससे फैन की पंखड़ी के लिए फुल फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी मोड़ लीजिए इसको। पंखे की पंखड़ी गंदी हो रही है, ऊपर नीचे से एक ही बार में क्लियर। ये बॉडी सोप है सर, नहाने के लिए आएगा। इसके अंदर पीछे से खोल के कोई भी बॉडी सोप अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद इसका ये ढक्कन है, वापस से लगा लेना है। यहाँ से प्रेस लिक्विड सोप बाहर रगड़ने के बाद साफ। किचन स्पॉन्ज, किचन को अंदर पानी चाय कॉफी फैल जाए इसको घुमा दीजिए, पानी को लॉक करेगा, उठा के निचोड़ दो पानी बाहर। ये अपने जैसे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन वगैरह की डस्टिंग करने के लिए, पीछे से कीबोर्ड के बटन साफ करने के लिए 2-in-1 आइटम। ये हैंड ग्लव्स हाथ में पहन के डस्टिंग करने के लिए। घर में ऐसे बहुत सारे आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, अलमारी, ड्रेसिंग, डाइनिंग, विंडो ग्लास, शीशे वगैरह पे ऐसे आराम से रगड़ के डस्ट साफ कीजिए। हाथों पे मिट्टी नहीं आएगी, सफाई अच्छी होगी। इससे गंदा हो जाए धो सकते हैं। ये एड़ी साफ करने का ब्रश, कटी फटी एड़ी होती हैं, 3 दिन के अंदर सॉफ्ट और चिकनी। एक कटोरी गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में भिगोना है, विदाउट क्रीम, साबुन, शैम्पू 3 दिन फटी एड़ियों पर रगड़ना है। फटी एड़ी 3 दिन के अंदर सॉफ्ट और चिकनी करता है जी, टूटता नहीं है, देखने में शीशे की तरीके से मजबूत होता है। ये है सर हेड मसाज करने के लिए, इससे आप अपने सर की मसाज कर सकते हैं। सर के अंदर जाते ही पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, छोटी छोटी जो नसें होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये दुकान के अंदर का मस्त व्यू है, जहाँ पर नजर का नाम से इनके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ये सारे आइटम घर बैठे मंगा सकते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।